कर्नाटक में सारे कर्नाटक कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 2023 एक इत्मीनान के साथ, अमन के साथ कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जितने भी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट्स एक पीसफुल इलेक्शन चलाने के लिए जो कोशिश किया है, और कर्नाटका का जो इलेक्शन एक ही बार नॉर्मली दो बार तीन बार ऐसा पार्ट होके होता है, सिंगल स्टेज में एक ही मर्तबा जो इलेक्शन पीसफुली सक्सेसफुली हुआ है एक एडवांस तरीके से, मैं तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और जितने भी जिम्मेदार या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस डिपार्टमेंट, तमाम उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली इस इलेक्शन में जो लास्ट तीन साल में जो बीजेपी का हुकूमत एक नफरत का सियासत किया, हिजाब, हलाल, सोशल बायकॉट, अजान की पाबंदी और बहुत सारे ये जो है हमारा हिजाब का मामला हुआ, टू बी रिजर्वेशन का मामला हुआ, यानी उट में एक स्टेट गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करना था वो डेवलपमेंट छोड़ के जो नफरत का सियासत करी, हम हिजाब का नाम से हमारे बच्चों को अक्सर कॉलेज से बाहर निकाला गया, उन्हें उनको रोने पर मजबूर किया गया, और बहुत बच्चियां हमारे इस वजह से कॉलेज से बाहर भी आ गए। शायद ये तमाम जो भी मजलूमी का बद्दुआ जो है ये आज बीजेपी का हुकूमत का हुआ है, तो इसलिए ऐसा एक रिजल्ट आया है। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं जो कर्नाटका के आवाम जो ये जो मैंडेट दिया है ये फैजिश ताकतों का खिलाफ, हम इसको स्वागत करते हुए और कांग्रेस पार्टी को इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं कि आप जो है आइंदा दिनों में एक अमन के साथ जो भी आप वादा किए हैं, आपका मैनिफेस्टो आप वादा किए हैं, वो मैनिफेस्टो को आप इम्प्लीमेंटेशन हर तरीके से करना चाहिए। उसमें भी कांग्रेस हुकूमत ने, कांग्रेस का पार्टी ने मैनिफेस्टो में बताया था जो हम जब आएंगे पहली कैबिनेट में टू बी रिजर्वेशन जो निकाला गया वो टू बी रिजर्वेशन को हम लागू करेंगे। दूसरा इनका मैनिफेस्टो में था बजरंग दल जो है नफरत का, बहुत बड़ी नफरत फैलाता है और मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जो नफरत फैलाते, ये बजरंग दल को हम बैन करेंगे। ये जो हम देखते हैं ये क्या क्या ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरा तमाम जो भी है ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कर्नाटका में पॉलिटिकल जो एनालिसिस किए हैं, कर्नाटका में पर्टिकुलरली 70 लाख मुस्लिम वोटर्स है, जो भी मुस्लिम वोटर्स में 88-90% मुस्लिम वोटर्स जो है ये बार कांग्रेस को सपोर्ट किया है। तो ये सबसे बड़ा, आज अगर कांग्रेस को जीत हुई है कर्नाटका में इतना पावर के साथ इतने ज्यादा सीटों, उसमें बहुत बड़े एक रोल जो है मुस्लिम कम्युनिटी का है, इस कोई इंकार नहीं सकता कांग्रेस। तो इसलिए नेक्स्ट आने वाले जो बजट में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यानी माइनॉरिटीज के लिए 10,000 करोड़ रुपीस रखना है और सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है। कांग्रेस गवर्नमेंट हम मुतालबा करते हैं एक मुस्लिम को और एक दलित को आप कम से कम DCM बनाना है, अगर हो सके तो दलित या मुस्लिम को CM बनाए, अगर कम से कम नहीं हो सके तो आप लोग एक मुस्लिम एक दलित को DCM तो बनाओ, क्योंकि ये लोग है आपका वोट बैंक, 75 साल से वोट करते आए हैं। और तमाम जो भी रिप्रेजेंटेशन है पर्टिकुलरली KPSC जो रिक्रूटमेंट का टॉप कर्नाटका का बॉडी है उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, और जितने भी जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को और इनका जो मेजर वोट बैंक उनका जितने भी स्कीम्स है वो लागू करना चाहिए। ये हम
गवर्नमेंट ऑफ जो भी हुकूमत आएगा, जो भी सीएम आएगा, इनको हम लोग हमारे एसटीपी से डिमांड करते हैं। रही बात नरसिम्हा राजा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, मैं शुक्रगुजार हूं जो अभी हमारे अवाम जो 41,000 वोट देकर हमने जो सपोर्ट करे, ये जो वोट है सबसे यानी कि वैल्यूएबल वोट है। इसको हम लोग एक वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते, अनमोल जो बोलते हैं अनमोल वोट है ईमानदारी के साथ। क्योंकि ये पैसे को, क्योंकि एसडीपी पैसे से वोट नहीं खरीदता, तो ये जो वोट है अनमोल वोट है, ईमानदारी के साथ, सच के साथ, हक के साथ खड़कर हमने वोट दिया है, वोट है। तो मैं शुक्रगुजार हूं तमाम हमारे पार्टी के लीडर्स, कैडर्स और जितने भी बहुत सारे सपोर्टर्स, मीडिया जो भी है, उलेमाए किराम जो भी हम लोग को सपोर्ट करे हैं। चंद लोग सामने आके सपोर्ट किए हैं, चंद लोग विदाउट नजर बहुत सारे काम अंदरूनी किए हैं। इन तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारा जो जद्दोजहद है, एसटीपी का जो जद्दोजहद है, एसटीपी का जो खिदमत है, एसटीपी एज एन अपोजिशन पार्टी, जो भी रूलिंग पार्टी जो कोताहियां करता है उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसका खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, उनको उनका जिम्मेदारी का एहसास हम लोग दिलाएंगे, ये काम हम मुसलसल करेंगे। तो जो नरसिम्हा राजा इलाका जो हल्का है, तमाम आप मीडिया वालों को मालूम है, सबसे बैकवर्ड कर्नाटका में सबसे बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये नरसिम्हा राजा इलाका। कम से कम इस बार भी जो हुकूमत भी इनका है, एमएलए भी इनका है, बहुत बहुत बड़ी तादाद से वोट डालकर है इनको, तो इन्हों अव्वल फुर्सत में जो भी डेवलपमेंट काम करना है ये डेवलपमेंट काम करें और अवाम के साथ रहकर अवाम के हर हमेशा हर मसाइल में काम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करता हूं तनवीर शेर साहब, आपका बाप का नाम पे आज भी मैं देखा, मैं आ रहा था, एक बाइक वाला जो कुछ लगेज लेकर आया था वो गड्ढे में गिर गया, उसका जो बैग जो है अभी जस्ट वो बैग नीचे गिर गया पानी में, जो पानी जमा था। कम से कम आपका बाप का नाम पे एक रोड है, ये रोड को आप कर नहीं सकते तो पहली फुर्सत में ये तो करो। इतना बुरी हालत में है वो रास्ता। मैं आवाम को मैं बोलता हूं, जो लोग वोट दिए हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उलेमा लोग हैं, जो लोग वोट दिए, कम से कम उनको जाके बोल के तनवीर शेर साहब को ये रोड तो करो, जो भी डेवलपमेंट काम करे। देखिए जब एसटीपी इलेक्शन को करती है कितने क्वेश्चन हमारे लिए, मीडिया वाले हम ना पूछने वाले, उलेमा हम ना पूछने वाले, बार बार वो पूछने वाले आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करेंगे, यही पूछने वाले, एक सीट जीत के क्या करेंगे, सब पूछने वाले हम लोग को इतना क्वेश्चन करते हैं। कम से कम आपका एमएलए 22 इयर्स है और एक बार भी आप इलेक्ट हो गए, हुकूमत है, कम से कम इनको तो क्वेश्चन पूछो, इनको क्वेश्चन पूछो, हर काम के बारे में क्वेश्चन पूछो, इनका घर के पास जाओ पूछो, पूछकर कम से कम ये काम तो होना चाहिए। तो ये एनआर का डेवलपमेंट होना चाहिए, एनआर का डेवलपमेंट के लिए जो भी कोऑपरेशन हम लोग देना है जरूर देंगे। जो ना काम करते हैं, काम नहीं करते, जो नेग्लिजेंसी करते हैं, इसका खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे, हम लोग करते रहेंगे। उसका साथ साथ डेवलपमेंट का काम में हम लोग सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सपोर्ट करें, अगर अच्छा काम करें तो उसके बारे में हम लोग अच्छा ही बोलेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी बात, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बड़ी मकसद के साथ इस जमीन पर हम काम कर रहे हैं, हमारा जद्दोजहद, हमारा कोशिश, हमारा मेहनत जो है, हमारा जो भी खिदमत है अंजाम हम करते रहेंगे। मैं उम्मीद करते हैं, हम लोग बार बार बोलते रहते हैं कि देखो हम मेहनत करते जाएंगे, क्योंकि ये जो मेहनत जो है ये कोशिश है आने वाले नस्ल के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए है। क्योंकि हम लोग बार बार बोलते हैं कि हद से ज्यादा इस सेकुलर पार्टी को भी भरोसा कर लेकर जाना उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल ताकत को धीरे धीरे मजबूत कर लेकर जाना है, ये हमारा बार बार बोलने का था। हम तो हमारा जद्दोजहद, हमारा कोशिश हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अभी मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा उम्मीद से का भी नहीं है, उम्मीद था मगर ऐसा ही नहीं है कि, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम हमारा जो भी कोशिश हो, जद्दोजहद है, मेहनत है, इसका जो रिजल्ट जो है एक ना एक दिन आएगा ही जरूरी। ये हमारा नस्ल को, हमारा जनरेशन को अगर फायदा नहीं है तो भी आने वाले हमारे जनरेशन को डेफिनेटली इसका फायदा पहुंचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कोई डाउट नहीं है। हम क्या पूछे थे अवाम को,
हम ये नहीं पूछे थे कि हम ना कर्नाटक का हुकूमत दे, ये नहीं पूछे। हमने ये नहीं पूछे कि 220 में हम लोग को सपोर्ट करो, ये नहीं पूछे। हम क्या पूछे थे, कम से कम ये 2-3 MLA तो हमको दियो एज ए कौम की, आवाम की, मजलूमों की आवाज बनकर, एज एन ऑपोजिशन, हर नाइंसाफी के बारे में, हर नाकामियां के बारे में, जो हुकूमत जो करती है गलतियां उसका खारे में आवाज उठाने के लिए हम लोग को एक ताकत, एक MLA की ताकत दे। हुकूमत ने नहीं पूछे, हम कम से कम 1-2-3 MLA हमारे होते, हमें क्या करते, इस आवाम की, मजलूमों की, हर जो भी किसानों की, स्टूडेंट्स की, इसका आवाज बनकर हम असेंबली में भी, असेंबली का बाहर भी हम काम करते। तो ये मौका तो नहीं मिला इंशाल्लाह, उसका बावजूद भी जो हम लोग को वोट देकर सपोर्ट किए हैं, इन ये सब रखते हुए इंशाल्लाह हमारा जद्दोजहद, हमारा कोशिश एज एन अपोजिशन पार्टी, नरसिम्हा राजा इलाके का एज अपोजिशन पार्टी, टोटल कर्नाटका का एक अपोजिशन पार्टी, हम लोग अपोजिशन में रहकर हर गवर्नमेंट का, हर डिपार्टमेंट का, हर MLA का जो भी नाइंसाफी होता है, नाहक होता है, या एंटी पीपल पॉलिसीज होता है, इसको हम क्वेश्चन करेंगे और मजबूर करेंगे इन लोगों को सही तरीके से, जो अवाम जो साथ दे हैं, अवाम का काम करे। सिर्फ इलेक्शन में, इलेक्शन का टाइम में चंद पैसे बंटवारे कर इलेक्शन जीते तो नहीं, अवाम की 5 साल भी अवाम की काम करना है, कौम की खिदमत करना है, यही उम्मीद लेकर अवाम वोट दिया है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिन भी हमारे हमारे जो जद्दोजहद है, हमारा मेहनत है, हमारा खिदमत है, शायद हमारे जो भी खिदमत था, जद्दोजहद था, हमारा मेहनत था, शायद अवाम उसको रिकग्निशन करने में कुछ कमी पेशी होगी होगी, या हम लोग को उनको समझाने में कमी पेशी होगी। तो उम्मीद करते हैं, उसका बावजूद भी मैं बताता रहा हूं, और एक बार बताता हूं, जो 40 को 1000 वोट दिया है वो सबसे अनमोल वोट है, क्योंकि हम बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जैसा कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, बहुत बड़ा चेहरा नहीं है हमारे पास, राहुल गांधी जैसा, प्रियंका गांधी जैसा, देवेगौड़ा जैसा, कुमार स्वामी जैसा चेहरा भी नहीं है। इसका बावजूद भी अवाम ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल के साथ हम लोग को वॉलंटरी आकर हम लोग को जो वोट दिया है 40 को 1000 वोट, ये 4 करोड़ के ज्यादा जो अनमोल वोट है, इसको इज्जत करते हुए इंशाल्लाह तमाम हमारा STP का लीडर्स और कैडर्स अवाम की खिदमत जारी रखेंगे, इसमें कोई कमी पेशी नहीं होएगा। हम लोग इस इलेक्शन में हार गए और हम नाराजगी है, ऐसा कुछ रखकर हमारा जो भी खिदमत है वो खिदमत हमारा जारी रहेगा, हमारा कोशिश जारी रहेगा इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया था, देखिए कर्नाटका में 70 लाख मुस्लिम वोटर्स है, ये बार का वोटिंग में 90% ऑलमोस्ट 90% कांग्रेस का तरफ के हैं, बाकी का 10% अदर पॉलिटिकल पार्टीज को गया है। और हालांकि हमारे पॉपुलेशन के मुताबिक कम से कम हमारे 29 MLA रहना था, मगर अफसोस इस बात की वजह कांग्रेस सिर्फ 15 लोगों को सीट दी, उसमें 9 लोग ये बार जीते। तो और दूसरी कम्युनिटी देखेंगे आप लोग, अलग अलग कम्युनिटी जो भी है, 45 लाख का है वकलीगास, वो लोग अराउंड 40+ ज्यादा जीते हैं। तो इसमें हम करते हैं कि मुसलमान जो वोट किए हैं, सपोर्ट किए हैं आप लोगों को, उन्हीं का वजह से आज आप हुकूमत में आए हैं, तो इसीलिए कम से कम आप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, अगर नहीं बना सके तो आप लोग कम से कम एक DCM डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो देना चाहिए, और कम से कम 3 लोगों को मिनिस्ट्री में कैबिनेट रैंक का, कम से कम इसमें 3 लोगों को कैबिनेट रैंक का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री आप लोग देना है। दूसरे जितने भी
रिप्रेजेंटेशन कम हुआ खाओ, चाहे वो दलित हो अदर। मैंने बताया कम से कम दलित को तो सीएम बनाओ, अगर दलित को नहीं बना सके तो कम से कम डीसीएम तो बनाओ, क्योंकि दलित कम्युनिटी भी ये जो 75 इयर्स में एक बार भी कर्नाटका में ना मुस्लिम सीएम बना ना दलित सीएम बना। सीएम नहीं बना सकते तो कम से कम डीसीएम तो आप बनाना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, जब हम किसी व्यक्ति का नाम पर हम अपील नहीं करते, हम ये करते हैं कि जो वोटर्स जो 80-90% अवाम कम्युनिटी जो वोट दे रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ कम्युनिटी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। हम लोग ऐसे बताएंगे किसको दियो किसको नहीं दियो, हम ये बताएंगे कि रिप्रेजेंटेशन सही रिप्रेजेंटेशन दियो बोलकर। इससे पहले भी भाई जो सिद्धरामैया जी से मिला उस टाइम में बताया था, मैंने ये बताया था कि देखिए एक क्या है, हमारे नेक्स्ट जो आने वाले बजट में माइनॉरिटीज के लिए 10,000 करोड़ रुपीस देना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू जो है कम से कम एक डीसीएम 3 मिनिस्ट्री माइनॉरिटीज को देना चाहिए। तीसरी टीपू यूनिवर्सिटी जो बनाना है, और मैसूर यूनिवर्सिटी में टीपू सुल्तान स्टडी सर्कल जो बाबा साहब अम्बेडकर है बाबू जगरीवाल को अलग अलग लोगों का जो स्टडी सर्कल है वो स्टडी सर्कल करना चाहिए। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन केपीएससी जो है जो रिक्रूटमेंट का एक पैनल है उसमें जो कॉर्पोरेशन उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को नुमाइंदा देना चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी रिप्रेजेंटेशन है जितने भी बोर्ड्स वगैरह में सही रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, ये भी है। और बजट का अलॉटमेंट पे हो या दूसरे जितने भी जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट में ये लोग बेहतर काम करना चाहिए, और बोर्ड्स में भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। स्पेशली मैसूर में बहुत सारे इनको सक्सेस मिला है, मैसूर को स्पेशल पैकेज देके डेवलपमेंट करने का काम करना है। और दूसरा एक अहम है, इन लोग में इनका मैनिफेस्टो में बताया था बजरंग दल को हम बैन करेंगे। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करके दिखाना है। हम पहली कैबिनेट मीटिंग में ये तमाम चीजें हम करने के लिए हम लोग डिमांड करेंगे। जिस तरह शुरू दिन से एसडीपीआई ने आपका नाम जिस तरह मेहनत करे काम करे अब मायूस ना होते हुए जारी रखे, वही काम वही खिदमत जारी रखे, उससे जो है आपका क्या मैसेज रहेगा जो भी कारकुना है? देखिए हमारे तमाम जितने भी कारकुना है एसटीपी एक बहुत बड़ी मकसद के लिए इधर काम कर रहे हैं, इंसाफ कायम करना, नाइंसाफी रोकना, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो हर अवाम को मिलना, इस समाज को इस देश को खौफ से आज़ादी दिलाना भूख से आज़ादी दिलाना, ये बहुत बड़ी एक मकसद के लिए खड़ा हुआ है। एक चुनाव में हारना जीतने में हमारे जो मकसद पे हम नहीं हटेंगे, हम मकसद के लिए काम करेंगे। देखिए हम मेहनत हम करेंगे कोशिश हम करेंगे, जो रिजल्ट जो है ऊपर वाला देने वाला है। और हाँ मैं बताना चाहता हूं कि एक शॉर्ट टाइम का आइडिया रखकर एक इलेक्शन के जीतने के लिए यानी एसटीपी नहीं आया। एसटीपीआई का मकसद है इधर इंसाफ कायम होना, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमको मिलना, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का सेकुलरिज्म तहफ़ में रहना, हमारी हर आदमी को एक तहफ़ का जिंदगी होना, एक इज्जत की जिंदगी होना, ये हम अमन होना, ये हमें चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा जद्दोजहद जारी करना पड़ेगा। अभी बीजेपी जाके कांग्रेस आ गया, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये उम्मीद में नहीं रहो आप, ये उम्मीद में नहीं रहो। सबसे ज्यादा जो दंगे फसाद अगर हुआ है कांग्रेस को हुकूमत का टाइम में हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ है तो वो कांग्रेस को हुकूमत का टाइम में हुआ है, तारीख गवाह है। तो इसलिए बहुत बड़ा उम्मीद रख लेकर नहीं रहना, हमारे जो भी नाइंसाफी के खिलाफ हमारा जद्दोजहद है एंटी पीपल पॉलिसी ये हम लोग जारी रखना है। मेरे तमाम जो भी कार्यकर्ता कैडर्स को मायूस नहीं होना है, हमारे जो जद्दोजहद हम लोग कोशिश जारी रखना है। इंशाल्लाह आने वाले छः महीने में हमारा कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाला है, जिला पंचायत तालुक पंचायत आने वाला है, बीबीएमपी इलेक्शन आने वाला है,
इस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए और मजबूती के साथ और स्ट्रांग के साथ, और जो भी कोताही हमारे अंदर वो है उसको सही तरीके से एहतसाब करते हुए हम लोग आगे बढ़ना है।